देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और जिस तरह लगातार हमारी कोशिश है कि पैलगाम से अलग अलग जगहों से आपको रूबरू करवाएं, और जिस तरह से आप जानते हैं कि इस कोविड महामारी के चलते अब तमाम दुकानें तो बंद है, कुछ दुकानें खुली, और इसमें से अगर हम बात करें तो ये पेंकोश एक दुकान है। और अगर कश्मीर आए और कश्मीर के कल्चर के बारे में हम जानेंगे और क्या कुछ यहाँ पर खास कश्मीरी आर्टिकल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ढेर सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और आपको बता दूं ये तमाम चीजें जो हैं कश्मीर की काफी ज्यादा फेमस और हैंडमेड ये आर्टिकल्स हैं। और चाहे हम टूरिस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार जब अमरनाथ यात्रा का वक्त रहता था तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है टूरिस्ट जो है आते थे, और उन्हीं पर कहीं ना कहीं निर्भर करता था ये कारोबार। पर आज आप देखेंगे ये सभी दुकानें जो है सुनसान पड़ी हुई है, दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है कि किस तरह से उनका ये कारोबार चलेगा, किस तरह से उनका घर का अगर लाइवलीहुड की बात करें तो किस तरह से चलेगा। पर आप देखिए, जहां पर एक तरफ हम आपको ये तमाम चीजें बता रहे हैं जो आज भी इसी तरह दुकानों में सजी हुई है, पर आज यहाँ लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ कोरोना महामारी के चलते और बात करें तो पिछले 3 सालों से दुकानदारों को यही कहना है कि ये सामान इसी तरह से सजा हुआ है पर यहाँ पर लेने वाला कोई नहीं। तो आप देखिए कितने खूबसूरत बैंगल्स जो हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये सब तमाम चीजें जो हैं हैंडमेड हैं, और ये भी अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्सेस से लेकर तमाम जो कश्मीर का कल्चर है, और जो आप देख सकते हैं आर्टिकल्स, तमाम ये आर्टिकल्स जो है इस तरफ जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। तो आप देखेंगे ये तमाम चीजें, चाहे हम बात करें यहाँ पर कांगड़ी जिसे कहते हैं, या ज्वेलरी बॉक्सेस, या फ्लावर फास्ट की बात करें तो तमाम इस तरह की, या फिर इस शिकारा की बात करें तो तमाम इस तरह की जो होम डेकोरेटिव पीसेस जो हैं वो भी आपको इस तरह से इन तमाम दुकानों में नजर आएंगे। जब भी आप कश्मीर आएंगे तो, और अगर पहलगाम भी आएंगे तो ये तमाम चीजें आप जो है खरीद सकते हैं। पर दुख की बात यही है और कि आज यहाँ पर खरीदने वाला कोई नहीं, ये तमाम चीजें जो हैं बस इसी तरह दीवारों पर जो है सजी हुई हैं पर लेने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से हमने आपको पहले भी दिखाया, ये तमाम जो चीजें हैं सब हैंडमेड, और हैंडमेड में आप सभी जानते हैं कि कितनी मेहनत जो है इसमें लगती है। चाहे इन डिजाइन की बात करें, जो हैंडमेड पेंटिंग्स जो है इसमें साफ तौर पर की गई है, और कितना वक्त जो है इनमें लगता है। और आप अगर आप देखेंगे देखेंगे कितनी खूबसूरत जो है गिफ्ट ऑफ कश्मीर जो है आप देख सकते हैं। तमाम जब भी अमरनाथ के यात्री यहाँ पर आते थे यात्रा करने के लिए तो तमाम इस तरह की जो है प्यारी चीजें, गिफ्ट जो हैं अपनों के लिए यहाँ पर लेके जाते थे। पर आज ये दुकानें सुनसान हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, तमाम ये चीजें जो हैं इसी तरह से यहाँ पर पड़ी हुई। और आप देखें कितने खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्सेस भी जो हैं वो भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे। पर आपको तमाम, और ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं पेपर माची की बात करें तो काफी ज्यादा कश्मीर में ये फेमस है, और ये तमाम हैंडमेड पेंटिंग्स आप देख सकते हैं पेपर माची, और इस तरह के खूबसूरत आर्टिकल्स जो हैं वो आपको हर इस तरह दुकानों में जो है नजर आएंगे। पर मेन बात यही है कि आज यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं, आपको ये तमाम दुकानें जो है सिर्फ खाली ही नजर आएंगी। तो फिलहाल के लिए जेके न्यूज पॉइंट में बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। आप देखेंगे तमाम दुकानें बंद हैं, कोई इक्का दुक्का दुकानें ही हैं जो इस वक्त यहाँ पर खुली हैं, बाकी तमाम बेशुमार दुकानें इस वक्त कोरोना के चलते यहाँ पर बंद हैं। कामकाज इन लोगों का बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि काफी ज्यादा मुश्किल जो है इन लोगों के लिए इस वक्त गुजारा करना जो है तमाम मुश्किल होता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे जेके न्यूज पॉइंट के साथ।